Hello everyone, for those who don't know me, my name is Deepika. I am first professional year MBBS student from BPS Government Medical College, Haryana. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम हमारे पूरे प्रिपरेशन टाइम में पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं और मैं कैसे रही थी पॉजिटिव वो स्टार्टिंग में जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सभी में बहुत जोश होता है, स्टार्टिंग में सब पॉजिटिव होते हैं क्योंकि तब हम डॉक्टर बनने के लिए एक स्टेप आगे हो चुके होते हैं जो बाकी होते हैं उनसे। उसके बाद हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट तो कर देते हैं, धीरे धीरे हम डिप्रेस्ड होने लगते हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। डिप्रेस्ड क्योंकि स्टार्टिंग में हम टेस्ट तो दे देते हैं और उन टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते। मैंने टेस्ट एनालिसिस पे पहले भी एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। तो टेस्ट एनालिसिस नहीं करते, फिर मार्क्स कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, धीरे धीरे मार्क्स कम आने लगते हैं, फिर डिप्रेशन हो जाता है कि मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन मार्क्स कम आते हैं ये डिप्रेशन का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे मार्क्स कम आएंगे तो हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं जो अब हमसे अब हो रही हैं। वो गलतियां फिर लास्ट नीट में नहीं होंगी क्योंकि ये मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि किसी का भी सिलेक्शन हुआ है उनसे कोई नहीं पूछता कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आते थे। हाँ, अगर पूछते हैं तो भी वो इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि जो लास्ट में नीट में मार्क्स आते हैं वही मैटर करते हैं और करने भी चाहिए, वही मैटर करेंगे, उसी से सिलेक्शन होगा, इन मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होता। और उसके बाद हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इसका कारण तो यही है कि हम टेस्ट एनालिसिस नहीं करते, इसलिए टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे मार्क्स कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, हम हमारी गलतियां नहीं सुधारते। दूसरा कारण होता है हमारे डिप्रेशन का हमारे दोस्त, अगर उनके मार्क्स हमसे थोड़े बहुत भी ज्यादा आ जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसके जितना ही मैं पढ़ा था मेरे मार्क्स कम क्यों आए, उसकी उससे ज्यादा आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम आ जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कम आ जाए तो हम उदास हो जाते हैं। और ये मेरे साथ बहुत होता था, मेरी एक फ्रेंड थी उससे मेरा एक नंबर भी कम आ जाता था तो मेरा रोना तय था उस दिन। लेकिन ये मार्क्स मैटर नहीं करते, मार्क्स हमारे फाइनल नीट में जो आएंगे वही मैटर करेंगे, तो इनके लिए इतना डिप्रेस मत होना क्योंकि जब दोस्त के मार्क्स कम आते हैं तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब दोस्त के मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं तो हमें बुरा लगता है। और ये बात हमें सभी को पता है, जब दोस्त फेल होता है तो हमें दुख होता है, लेकिन जब दोस्त टॉप करता है तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। मुझे एक और रीजन लगता है जो से हमें डिप्रेशन होता है वो ये कि हम एक टॉपिक को 6 घंटे में या 7 घंटे में पूरा करते हैं और उसी टॉपिक को हमारे दोस्त 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। इससे इस बात से डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि सभी में सेम पोटेंशियल नहीं होती, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है, सभी एक टॉपिक को एक टाइम पे नहीं कर सकते, तुम्हें ज्यादा टाइम भी लग सकता है कम भी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम डिप्रेस्ड होके बैठ जाओ। हार्ड वर्क करो और अपना टॉपिक कंप्लीट करो, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट करना ही मेन मोटिव है हमारा और उसको अच्छे से समझना। कई बार हम करते हैं कि हमारे दोस्त ने 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया तो हम भी 2 घंटे में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टॉपिक को अगर आपको 6 घंटे लगते हैं तो उसमें डिप्रेस्ड होने की कोई बात नहीं है, उस टॉपिक को 6 घंटे दो और अच्छे से प्रिपेयर करो। लास्ट रीजन जो मुझे लगता है, लास्ट तो नहीं है, डिप्रेस्ड होने के रीजन बहुत है, लेकिन इस वीडियो में जो लास्ट है वो है कि हमें कहीं ना कहीं ये थॉट आने लग जाता है कि हम हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हमसे उन्हें कितनी उम्मीद है। लेकिन इस बात से डिप्रेस्ड मत हो क्योंकि हमारा हार्ड वर्क हमें जरूर फल देगा। कहा भी है कि कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, इसलिए इन चीजों से डिप्रेस्ड मत हो और तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और उसको अच्छे से करते रहो। मार्क्स आते रहेंगे, मार्क्स अब ही मार्क्स आते हैं, इनमें भी डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि मार्क्स तो लास्ट वाले ही मैटर करेंगे। और अगर मार्क्स कम आते हैं तो इनको एक पॉजिटिव वे में लो और ज्यादा पढ़ो और अपनी गलतियों को एनालाइज करो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे होम।